हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आज हमारा प्राइमरी लेवल का यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर है उसको हम लोग आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का पेपर आया है। और देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि जो पिछला पेपर था जो लीक हो गया था, ठीक है, उससे इसका लेवल अच्छा है। अगर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर वो पिछला पेपर था, कुछ लोगों ने पेपर नहीं दिया है, तो ये चीज़ उनके मन में सवाल रहता है, तो उससे बेहतर यहाँ पर लग रहा है। मैथमेटिक्स के भी सवाल जो है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सही से पढ़ा होगा, ठीक है, प्रीवियस वाले आपने सारे अगर लगाए होंगे तो उसका यहाँ पर बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा। ऐसा नहीं है, मुझे तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे CDP का देख सकते हैं, ब्लूप्रिंट, और अगर नए आए भी हैं तो इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया, ठीक है, अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक क्या है, शैशवकाल का समय क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, लगभग चीज़ें बहुत ही सरल हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हम लोग एक बात आपसे पूछ लूँ, आप लोगों के लिए मैं मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व करा दूंगा शाम तक। इसलिए सॉल्व करा दूंगा कि मैथमेटिक्स ऐसे बताने का कोई मतलब नहीं है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स का जो पेपर है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स का पेपर आया है वो बहुत अच्छा आया है। अगर जिसने किसी ने भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिया होगा तो समझ लीजिए कि लगभग 50% क्वेश्चन आपके, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से या तो एग्जैक्ट वैसे रख दिए गए हैं या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के रख दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पंचभुज के अंतःकोणों का योग पूछ दिया गया। देखिए ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं लगभग, ये भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और शायद ये भी पिछली बार के हिसाब से रखा गया, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे वहाँ के उठा के रख दिए गए हैं। ये देखिए, गुणनफल में इकाई का अंक, ये प्रीवियस ईयर पेपर का है, आपको बता दें। कुछ क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूँ, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है, प्रीवियस ईयर, जिसने भी प्रीवियस ईयर ढंग से लगाया है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दिए गए, 5/36 ही आंसर होगा। देखिए ये रटे हुए आंसर हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब पिछली बार के जो हैं उसी में से उठा उठा के दे दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी पेपर क्वेश्चन पहले आ चुका, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया होगा उसको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है इसमें, ठीक है, ये वाला भी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल उठा के रख दिया गया है और इसका आंसर होगा 2, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई संख्या भी नहीं चेंज की है। लगभग मुझे तो लग रहा है 60% पेपर जो मैथमेटिक्स का है वो तो लगभग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पेपर है, आप लोग अगर कहेंगे तो इसके जितने भी आंसर्स हैं उनको मैं एक बार चेक कर लूँगा और फिर आपको उसके ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा 100%, ठीक। अगर आप लोग कहेंगे तो ये बाकी जो है इनको भी सॉल्व करा देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।